नाममय होकर के भजन करने से उसमें शरण मनन ध्यान धारणा सब नाम में निहित है। कोई अगर नाम को गौण करके सोचते हैं जो हमारा ध्यान धारणा हो नहीं रहा है, हमारा भजन नहीं हो रहा है, वो मूर्ख है। वो नाम को गौण करने के कारण नाम अपराध होता है। साधन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे लईले नाम पाए प्रेमधन। नवधा भक्ति कंदार कृष्ण नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। निरपराध चित्त होकर के भगवत नाम ग्रहण करने से प्रेम भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं नाम ग्रहण। तो जाप तीन प्रकार है। एक है बाग्यज मानस उपांशु, एक है बाग्यज जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं जोर से उच्च स्वर में जो नाम करते हैं यह बाग्यज। उपांशु है होठ हिला करके राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण जिसका जो नाम जैसे रुचि है उस अनुसार ऐसे है, इसको कहते हैं उपांशु। बाग्यज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक है मानस जप, वो तो कोई आवाज नहीं, कोई हल्ला चिल्ला नहीं, जब सब सो जाते हैं चारों ओर शांत हो जाता है वातावरण, उस समय एकांत आसन में बैठना चाहिए। बैठ करके सिर्फ नाम का चिंतन, नाम में मन लगा करके जैसे भीतर में हमारा रिकॉर्ड चल रहे हैं हरि नाम का, हम सुन रहे हैं, ऐसे चिंतन करना, नाम के तरफ ध्यान लगा, मानो जीवा हिलेगा नहीं, होठ हिलेगा नहीं, सिर्फ चिंतन चलेगा। एक जन हमको प्रश्न कर रहे थे जो हम नाम शरण जो करेंगे और लीला चिंतन करेंगे, क्या मानस जप के साथ हम लीला चिंतन कर सकते हैं कि नहीं? बहुत प्रश्न बहुत कठिन है। लीला चिंतन करते हैं और इधर नाम चिंतन, अगर मान लो हम मानस जप करेंगे तो नाम के तरफ पूरा ध्यान रख करके नाम जैसे एक एक अक्षर हम सुन रहे हैं उसमें चित्त वृत्ति विलय करके नाममय होकर के हम उस नामी के साथ अभिन्न, नाम जो शब्द ब्रह्म है नाम नामी अभिन्न जान करके उसको हम चित्त वृत्ति में धारण करके हमारे अणु परमाणु नाम में ध्वनित हो रही है, ऐसे चिंतन करना। तो वहाँ लीला शरण से भी बढ़कर यह नाम चिंतन, अगर लीला शरण करेंगे तो वो नाम में तन तन में आता ना मुश्किल। और तुम लीला चिंतन का प्राधान्य दे रहे हो, नाम को गौण कर रहे हो, क्योंकि नाम जप के साथ लीला चिंतन, तो लीला चिंतन के तुम श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हो। तो कौन श्रेष्ठ है, क्या नाम में तन्मयता न लीला चिंतन? यहाँ कहते हैं जो मानस जप है वहाँ नाम ही श्रेष्ठ है। मानस जप बहुत उत्तम साधन है, लेकिन मानस जप करने के लिए आपको निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ दिन में हल्ला गुल्ला में मानस जप होना संभव नहीं है, एकांत में बहुत अच्छा उपाय है नाम जप। यह इसको कहते हैं मानस। रूपांशु है जरा रास्ते में चलते हैं, उस समय तो मानस चिंता होना संभव नहीं है, उस समय होठ हिला करके जपते जपते जा रहे हैं, यह उपांशु समय अनुसार। और घर में हल्ला चिल्ला हो रहा है, बहुत सब कुटुंब आदि सब आए हैं, घर में लोग जाना है, बातचीत हो रहा है, उस समय उपांशु भी होता नहीं है, उस समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 पागल है, ऐसा होता है समय के अनुसार। ये नहीं हर समय एक ही से चलता है, ऐसा नहीं है। इस तरह से नाम को आश्रय करके नाममय होकर के भजन करने से उसमें शरण मनन ध्यान धारणा सब नाम में निहित है। कोई अगर नाम को गौण करके सोचते हैं जो हमारा ध्यान धारणा हो नहीं रहा है, हमारा भजन नहीं हो रहा है, वो मूर्ख है। वो नाम को गौण करने के कारण नाम अपराध होता है, नाम नामी अभिन्न है। बोले तो हमारा लीला चिंतन आदि बोलता, अगर होता है
सुंदर है, अच्छा है, बढ़िया है, स्वाभाविक अगर स्वाभाविक अगर होता है तो सुंदर है, होना चाहिए। लेकिन नाम आश्रय करके, नाममय होकर के, नाम को भगवान से अभिन्न जान करके, नाम नामी अभिन्न जान करके, नाम का आश्रय लेने से नाम ही लीला आदि सब प्रकट करते हैं उनके सामने, समस्त स्वरूप को प्रकट करते हैं। नाम तुमको पहुंचा देंगे, नाम को आश्रय करके, तुमको नाममय होकर के, नामाश्रित हो, इसी को कहते हैं नामाश्रित हो, नाम में आश्रित होकर के तुमको भजन करना है, तुमको आश्रय लेना पड़ेगा नाम के सहारा लेकर के। ऐसे करने से तुम्हारा साधन सरल, कलयुग में साधन सरल हो जाएगा। उसके साथ साथ नामापराध वर्जित ही तो होना जरूरी है, नामापराध वर्जित।